ओम शांति। 24 अप्रैल 2019 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। प्रश्न: संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? उत्तर: इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते ही, टीचर बनकर पढ़ाते ही और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। ओम शांति। यह स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला। यह तो जरूर है, आत्मा शरीर बिगर कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। अभी जीवात्माओं की पाठशाला तो सभी हैं, इसलिए कहा जाता है यह है आत्माओं की पाठशाला और परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना? यह भक्ति मार्ग नहीं है, यह पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर टिकाणों आदि में होती है। इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान वाच होता ही नहीं है। सिर्फ यह एक ही जगह है जहां भगवान वाच है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवान वाच्य है ही नहीं। भारत ही है जहां शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं। तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म यह लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन के। वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यह लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। कृष्ण सबको प्यारा लगता है,
कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते ही तो श्याम बन जाते हैं। यह खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते हैं, इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। यह सृष्टि का चक्कर ही ऐसा है। फूलों का बगीचा वह फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं, तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, यह 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती है। गायन है दुख में सिमरण सब करे, किसका सिमरण? बाप का। इतने सबका सिमरण नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरण करते हैं जानते कुछ भी नहीं। कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी जानते नहीं। कृष्ण और नारायण के भेद को भी नहीं जानते हैं। शिवबाबा है ऊंच ते ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं, सर्वव्यापी तो माया पांच विकार है जो एक एक के अंदर है। सत्युग में कोई विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। तुम हो ईश्वरीय संतान, यह है दैवी संतान। यहां तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वर हमारा बाप है। वह हमको पढ़ाते हैं क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। यह है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकरण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। सबका विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। यह सीढ़ी बहुत अच्छी है। लिखा हुआ है हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय आदि। इस समय है रावण राज्य, सबकी अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और सब धर्मों में फंस पड़े हैं। यह सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं।
बाप कहते हैं, तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानी की है। अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया है। ऐसा अपकारी पर मैं उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं, तुम्हारा दोष नहीं, यह ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक यह खेल है जो फेरना ही है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनाने में 84 जन्म, फिर नरक से स्वर्ग चपटी में सेकंड में बनता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया। फिर कोई मनुष्य यह नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक हैं, सतगुरु एक हैं। कहते हैं सतगुरु अकाल, परमपिता परमात्मा एक ही सतगुरु है। परंतु गुरु तो ढेर हैं, निर्विकारी कोई है नहीं। सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो। वह हट योगी है, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत। वहां हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं, काल नहीं खाता। तुम्हारा भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है, निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है। वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हमसो सोहम का मंत्र भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हमसो सोहम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है। बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है, यह है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? मात पिता के पास। सब भाई बहन हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े
सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास। बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं। उनसे बेहद का वर्षा मिलना है, परंतु मुश्किलात यह है जो माया भुला देती है। कोई ना कोई विघ्न डाल देते हैं जिससे बच्चे डर जाए। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती हैं। आंखें कोई निकालने की बात नहीं। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता है। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती है बात मत पूछो। गंदा बना देती है, गुलगुल बनते बनते फिर छीछी बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकते। इसमें कोई की पास खात्री भी नहीं हो सकती। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं। अधिक खर्च कर सकते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते हैं, यह तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं, भल ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, इनकी तो बात ही एक है। एक ही महामंत्र देते हैं मन मनाभव का। याद से क्या होता है यह तो तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित पावन है जानते हो। उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सारी दुनिया
अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंतकाल में एक बाप ही याद रहे। दूसरा, श्याम से सुंदर, पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है, यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रह, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते, और सुन लेते हैं तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता, फिर टाइम वेस्ट होता। इसलिए बाप की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणाभाव नहीं हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। स्लोगन, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.